इस व्यक्ति का अपमान न करे, नहीं तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। इस व्यक्ति को भूल कर भी खाली हाथ ना जाने दे, वरना जिंदगी भर आप दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ध्यान रखे कि ये बातें अगर जीवन में सुख चाहिए हो तो। दोस्तों, आपने यह तो अक्सर सुना ही होगा कि किन्नरों की दुआ और बददुआ दोनों ही बहुत तेज़ी से काम करते हैं, इसीलिए लोग इनको खुशी के मौके पर अपने घर बुलाते हैं और उनका आशीर्वाद भी लेते हैं। तो हमें कभी भी इनका अपमान नहीं करना चाहिए। आपके जीवन का महत्व ही बदल जाएगा। कहा जाता है कि श्री रामचंद्र ने इनको वरदान दिया था कि वह जिसकी भी जिसको भी दुआ देंगे वह अवश्य ही पूरी होगी। ऐसा माना जाता है कि किन्नरों का व्यवहार सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। भले ही आप दान दक्षिणा कितनी ही कम दें, लेकिन उनका अपमान कभी न करें। अगर आपका व्यवहार इनके दिल को छू लेता है तो वह आपके लिए संसार की खुशी दुआ में मांग लेते हैं। फिर चाहे आपने किन्नर के लिए कुछ दिया हो या ना दिया हो। हाँ, जब भी ये आपके घर आए तो उनका सम्मान करें और उन्हें आदरपूर्वक बस एक जादुई लाइन बोलें कि आपका हमारे घर पर स्वागत है। ईश्वर आपको जल्दी ही हमारे घर बुलाए। इतना कहकर कहें कि आप हमारे घर से नाराज़ होकर ना जाए, खुश होकर ही जाएं। आपको यह ध्यान रखना है कि आपका जीवन जिंदगी भर खुशी से भरा रहेगा। यदि कहीं बाहर जाते वक्त रास्ते में मिल जाएं तो भूल कर भी ये ना करें, उनका अपमान ना करें। कोशिश करें कि जितना संभव हो उनको दान दक्षिणा दें और उनमें से एक का सिक्का वापस मांग लें और उसे घर के उपयोग स्थान पर रखें जहां आप धन रखते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। इसीलिए अगर आप इनका अपमान करते हैं तो यह आपके जीवन को नरक भी बना सकते हैं और दुर्भाग्य आपका पीछा भी नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी यह हमारी छोटी सी कोशिश? अगर आप इसी तरह की मोटिवेट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन